दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एमस्क्रिप्ट डेल, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें अमन सर वाइफ स्टडी, क्योंकि आपका ये वीडियो रेगुलर 6 AM पर आ जाता है और लिंक आपको इसी में मिलता है। साथ के साथ PDF भी आपको अवेलेबल रहेगी। एक बहुत बेहतरीन ऑफर जो था उसको एक्सटेंड भी किया गया आप सभी के लिए कि आप एक्सेस कर पाएँ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज। तो LIVEAMAN से आप अभी 20% के ऑफ पे आप जो है एक अच्छे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा, लीजिएगा इसे। चलिए पहला करंट अफेयर देखिए। हाल फिलहाल में 3 हिमालयन मेडिसिनियल प्लांट्स जो हैं ना IUCN रेड लिस्ट में लाए गए हैं। तो IUCN जो रेड लिस्ट में मेडिसिनियल प्लांट लेके आए गए हैं, कहने का मतलब वो जो है थ्रेटन्ड स्पीसीज़ हैं। रिसेंट असेसमेंट देखा गया है कि उनका जो है थ्रेटन्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में आते हैं। IUCN जो है कैटेगरी में तभी डाला जाता है। ये आपके जो है ना ये 3 नाम हैं। और इसके बारे में और पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, जो स्विट्ज़रलैंड के प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो एक स्पीसीज़ को IUCN रेड लिस्ट में तभी डालता है जब वो उसका हैबिटेट लॉस हो रहा हो, ठीक है। तो इसके ये जो स्पीसीज़ हैं ये पतवा कहा जाता है इन्हें कॉमनली। ये पेरिनियल शब्स हैं, बेसिकली ये एंडेमिक हैं उत्तराखंड में, ज़्यादातर यहीं पे पाए जाते हैं। बहुत रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका, ये बहुत सारी जगह पे नहीं मिलते, उत्तराखंड में ही मिलते हैं। तो यहाँ पे फॉरेस्ट फायर की वजह से ख़त्म हो रहे हैं, इलीगल ट्रेड की वजह से ख़त्म हो रहे हैं, सीरियस थ्रेट है इन पर, है ना। तो इसी वजह से जो है इसके ऊपर कंजर्वेशन एफर्ट भी किया जा रहा है। स्टडी बताती है कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो डाले गए हैं तभी डाले जाते हैं जब ये 10 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम का एरिया जो है ऑक्यूपाई करे। तो इन मेडिसिनल प्लांट्स के साथ जो है कुछ ऐसा ही है। चलिए एक और करंट अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। एयर ब्रीथिंग इंजन हाल फिलहाल में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है। स्क्रैमजेट इंजन जो कि एक टाइप का एयर ब्रीथिंग इंजन है। अब एयर ब्रीथिंग इंजन के बारे में जानेंगे। इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था, इसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया था इसे। तो इसके बारे में जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन, हेम्योलिम्फ जो है ये किस में ऑब्जर्व किया जाता है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, अगर एयर ब्रीथिंग इंजन की बात करी जाए तो ऐसे इंजन जो कि एयर जो है अपने एटमॉस्फेयर, अपने सराउंडिंग से लेते हैं फ्यूल को बर्न करने के लिए, उसे हम कहते हैं एयर ब्रीथिंग इंजन। बेसिकली ये अचीवमेंट इंडिया वन ऑफ द कंट्री है जिसने अचीव किया है। इससे पहले बहुत ज़्यादा कंट्रीज ऐसी नहीं हैं जिन्होंने ये अचीवमेंट लिए, जिसमें एयर पार्टिकल जो है ना वो कंज्यूम किए जाते हैं, फ्यूल को बर्न किया जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि आधे से ज़्यादा जो लोड लेके जाना पड़ता है वो इसी चीज़ का लेके जाना पड़ता है कि फ्यूल को बर्न कैसे किया जाएगा। अब एयर से, एक्सटर्नल सराउंडिंग एयर से अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो ये रिड्यूस करेगा 70% प्रोपेलेंट जो कैरी किया जाता है व्हीकल्स में, क्योंकि 50 किलोमीटर के आसपास का जो अर्थ का डिस्टेंस होता है ना सरफेस से लेके ऊपर एटमॉस्फेयर का, वहाँ पे तो एयर अवेलेबल रहती है। तो ये जो है अचीवमेंट इंडिया को हेल्पफुल रहेगी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाने में। तो बेनिफिशियल है, लो कॉस्ट स्पेस ट्रांसपोर्टेशन में भी इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। गुड करंट अफेयर एक आप ये मिल सकता है आपको। फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की किन्हें बनाया गया? तो ये मेघा अहलावत जी को बनाया गया है, ठीक है। मेघा अहलावत जी फर्स्ट वुमेन हैं जो कि प्रेसिडेंट बनाई गई हैं टेबल टेनिस जो है फेडरेशन ऑफ इंडिया की। उसके अलावा एक 8 टाइम नेशनल चैंपियन कमलेश मेहता, इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया इसी ऑर्गेनाइजेशन का, और पटेल नागेंद्र जी को ट्रेजर बनाया गया। जो मेघना अहलावत जी हैं इन्होंने जो है ना किसके अगेंस्ट कंटेस्ट किया था? वो थे गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष टांगवी जो के हारे। बेसिकली मेघना अहलावत जी जो हैं वाइफ हैं हरियाणा के जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दुष्यंत चौटाला जी। क्वेश्चन आपको मिल सकता है इनसे संबंधित कि नाम क्या है इनका। चलिए, तो उसके अलावा नेक्स्ट चीफ ONGC के कौन बनाया? अरुण कुमार सिंह। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कौन? प्रवीण छाबरा। एक और करंट अफेयर देखिए, आप सभी जानते हैं कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। तो इसके लिए फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज करेगी। कौन सी सिटी में? तो ये रोम में जो है ना इटली में ऑर्गेनाइज किया जाए। बेसिकली FAO के हेडक्वार्टर ही रोम में इटली में, तो वहाँ पे इसे ओपनिंग सेरेमनी लाएगी। स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें इंडियन डेलीगेशन जा रही है जिसमें M. शोभा जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर हैं, वो अपने एक डेलीगेशन लेके जाएंगी, सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेसिकली इंडिया प्रमोट करेगा डेफिनेटली, कोल्स सेरल जो हैं इसको प्रमोट करना है। इसमें इंडिया कैंपेन भी लॉन्च कर रहा है। क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा होती है, कंजम्पशन कम होता है, लोग कम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम ज़्यादा करना चाहिए। एक और क्वेश्चन, 42nd इंटरनेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कार्डियोग्राफिक एसोसिएशन कहाँ पे इनोग्रेट की गई, तो ये देहरादून में। उसके अलावा नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुआ कौन सी स्टेट में, तो ये गुजरात में हुआ था। एक अच्छा क्वेश्चन देखिए, हाल फिलहाल में इंडियन नेवल शिप कोची कावरती जो है इसने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में। ये कौन से देश ने ऑर्गेनाइज किया, तो ये बांग्लादेश की नेवी ने ऑर्गेनाइज किया। तो पहला तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कौन से देश की नेवी ने ऑर्गेनाइज किया, बांग्लादेश ने। अभी आप सभी जानते थे कि बांग्लादेश के जो फादर ऑफ नेशन रह चुके हैं शेख मुजिबुर रहमान, इनके बर्थ के ऊपर जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 22, है ना। इंडिया की तरफ से कावरती और सुमेधा इसने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली ये कॉक्स बाज़ार आपने सुना होगा बीच, यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। एक और करंट अफेयर, स्टेल्थ फ्रिगेट वॉरशिप प्रोजेक्ट 17A जो है इंडियन नेवी ने लॉन्च किया, इसका नाम क्या है, तो त्रगारी नाम है। हाल फिलहाल में एयरफोर्स एयरफेस्ट 2022 कहाँ पर ऑर्गेनाइज, नागपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का। 77 चेस मास्टर कौन बने हैं, तो आदित्य मित्तल बने हैं, ठीक है। तो आदित्य मित्तल 77 चेस मास्टर बने हैं। अभी टूर्नामेंट हो रहे थे, ओपन टूर्नामेंट स्पेन में, वहाँ पे इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। इनकी एज 16 है, मुंबई के रहने वाले हैं। 3 क्राइटेरिया होते हैं ग्रैंड मास्टर घोषित होने के लिए, तो वो इन्होंने अचीव करे हैं, एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए। उसके अलावा फेमस बुक का क्रिकेट माई स्टाइल, ये किसकी किताब है, कपिल देव। उसके अलावा एक और किताब है माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, ये किताब किसके, विश्वनाथन आनंद जी। देखिए कल एक सवाल पूछा गया था, गुड कंडक्टर क्या कैरी करता है, तो गौतम का आंसर बिल्कुल सही, नेगेटिवली चार्ज। उसके अलावा आज का सवाल, हुमायूं जो है भारत वर्ष से भागे थे किस बैटल के बाद, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसमें सारा कंटेंट अवेलेबल करा रहा हूँ मैं आपको। और ये सब्सक्रिप्शन ऑफ़र एक ऐसा ऑफ़र है जो आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए। आप सब्सक्रिप्शन जब लेते हैं तब आपकी तैयारी और बेहतर होती है। और ऑब्वियसली लाइव अमन कोड से ये जो आज ऑफ़र है 20%, ये पहले जो है नहीं था अवेलेबल, अब अवेलेबल है और लिमिटेड समय के लिए अवेलेबल होता है, तो आज ही इसे यूटिलाइज़ करना। सभी अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे आपको अनअकैडमी के कोर्सेज़ के, कोई भी कोर्स आप जब ले रहे हैं तो कोड यूज़ करें लाइव अमन, इस डिस्काउंट के लिए इस कोड को ज़रूर यूज़ करें। आज सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।